हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ। फिलहाल मेरे बैकग्राउंड पे मत जाइएगा, अभी तक भैया लोग आए नहीं हैं काम करने के लिए। हमारा बेड का काम पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है, तो जस्ट बेड सिर्फ लगा हुआ है, अभी इसके बैक साइड का नहीं लगा है। मैंने इस पर ये मैट्रेस ऐसे रख दिया कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, सोती तो नहीं हूँ लेकिन काम वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े रखे हुए हैं, इसको भी मुझे अभी दिखाना है आप लोगों को। तो ऐसे खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था, तो पहले वाला जो मैट्रेस था वही मैंने इस पर ऐसे लगा दिया। और बेडशीट इस पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम मैक्सिमम इवनिंग के बाद मूवी वगैरह देखते हैं उस वाले रूम में, तो हम इसको ले जा करके नीचे अगर हमें लेटने का मन होता है तो फिर ये लेकर के जाते हैं, हम वहीं पे लगा देते हैं। अब देखिए एक दो दिन में भैया लोग आएंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर गद्दा वद्दा इसका आएगा, फिर बेडशीट लग के अच्छा सा लुक मेरे रूम का आए, रूम टूर अच्छे से दूँ। अभी इसका देखिए बैक का वॉलपेपर भी नहीं लगा हुआ है, सीलन की वजह से वॉलपेपर शायद ही लग पाए, इनको टाइम नहीं है, हम उस दिन से जा ही नहीं पाए। कितने दिन पहले मैंने बोला था आप लोगों की हमें जाना है वॉलपेपर के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। मॉर्निंग में जा रहे हैं ये, नाइट में इतने देर से आ रहा है तो फिर कहाँ से टाइम मिलेगा। बट मैंने इनको बोला है कि एक दो दिन में टाइम निकालिए कि चल के हम इसको कम से कम मेरा रूम जो है वो तो कम्प्लीट हो जाए, तो वो कम्प्लीट हो जाएगा। और देखिए आज हो सकता है कि मम्मी आए भी, मतलब मेरी सासू माँ, तो उसके पहले मैंने कहा अपना ये सब काम कम्प्लीट कर लूँ, मम्मी आ जाएंगी तो अच्छा लगेगा। जानते हैं आप लोग, मैं एक चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे ना, दिखाती हूँ, मुझे मेरे हाथ पे ना झलका हुआ था, ये दिख रहा झलका ही है। तो कल मैंने फोटो भेजा घर पे, मैंने कहा यहाँ पे कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा। तो सब लोगों ने बोला कि मतलब चिकन पॉक्स वो हो गया है, ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग एक झलका होता है और जगह पे चेक करो कि नहीं ना। इतना मैं डर गई थी, इतना ज़्यादा मैं डर गई थी। फिर सब लोगों ने बोला एक दिन वेट करो, एक दिन वेट करने के बाद पता चल जाता है कि हुआ है या नहीं। तो मैंने वेट किया तो आज तो कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं तो फिर ये हो रहा था कि कैसे होगा, पूजा पाठ वगैरह कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें। फिर मैं भी परेशान हो गई थी कि मैं अकेले यहाँ पे कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि उसमें तो आपको एक गिलास पानी तक भी नहीं लेना रहता है। मैंने बोला घर पे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोई ना कोई आ जाना, क्योंकि बच्चे को स्कूल आना जाना, शायद स्कूल भी नहीं, मतलब घर से बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे मैं इस रूम में रहती तो वाशो तो स्कूल जाता ही जाता बाहर ही बाहर। वही सोचने लगी कि कैसे मैनेज होगा, कि बहुत ज़्यादा डर गई थी। बट थैंक गॉड माता जी को मैंने मनाया। ऐसा अभी तो फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा और आगे भी कुछ ना दिखे, बस एक यही झलका मुझे यहाँ पे दिख रहा है और आगे ना हो तो ठीक है। हो सकता है कि जो टेप लगाया था, लगा था यहाँ पे, इंजेक्शन लगा था वहीं पे चोट लग गया था, तो मेरी मिस्टेक की वजह से टेप मैंने चिपका दिया था। जो टेप निकाल रही थी तो वहाँ की स्किन जो है ना पूरी अच्छी खासी इतनी जगह पर रेड हो गई है, तो मैंने उसीलिए बांधा हुआ था। बट थैंक गॉड कि अभी तक तो ऐसा नहीं। फिर कल ही मैंने मेडिसिन मंगवाया यहाँ की सेफ्टी के लिए, जो लोग खाते हैं, तो वाशु को और इनको भी बोला कि खाली पीने वाला है, सेफ्टी पर्पज से जो पीने वाला मेडिसिन होता है ना वो वाला, तो वाशु को और इनको दिया और मेरा जो है वो अलग था। मैंने डॉक्टर से बात किया, होम्योपैथ के डॉक्टर से, कि मुझे ऐसा लग रहा है बट है या नहीं है नहीं पता, तो इसलिए आप ऐसा मेडिसिन दीजिएगा कि अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर है तो वो ठीक हो जाए। तो मेडिसिन मैं भी ले रही हूँ, ऐसा कुछ ना हो तो ठीक है, वरना अकेले पता ही है ना आप सबको, मेरे सारे मतलब बहनें भी मेरे यहाँ पे नहीं है। मम्मी तो कितने दिनों से कह रही थी कि नवरात्र में ही आ जाना, जैसे पग फेरे के लिए हम लोग गए नहीं थे, मम्मी बोल रही थी नवरात्र में ही आ जाना, उधर भी हम जाने वाले थे तो वो तो जा नहीं पाए थे, लेकिन मैंने स्टडी की वजह से ही वाशु के मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी। और यहाँ पर तो पूजा भी होती है, नवमी पूजा जाता है, तो हो सकता है यहीं से पूजा जाए। और मम्मी आज बताएंगी शाम में जैसा भी होगा, तो कल रात में जग करके पूरा बनाना करना। तो चलिए बातें बहुत सारी हो गई है, मैं इसके बाद बातें करूंगी जो भी करना होगा, ये तो इतना ज़्यादा टाइम इसी में ले लिया। आप लोग ये पूछेंगे कि मैंने कहाँ से लिया, तो मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने ये अमेजोन से लिया, कॉर्ड सेट है, मतलब शॉर्ट कुर्ता है और उसके साथ पैंट है। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मे बी इसमें आपको साइज तो मिल ही जाएगा, कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हुई हैं अमेजोन से, कुछ और भी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब कुछ और भी ड्रेसेस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, अमेजोन से मंगवाया मैंने। अमेजोन पे ऑफर चलता रहता है, आप चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट में पिन कर दूंगी कि कौन सा ऑफर चल रहा है, तो जब भी ऑफर आता है परचेस कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए फेस्टिवल्स हो कुछ भी हो, हर इंसान खरीदता है कपड़ा, ऐसा तो है नहीं कि कोई खरीदता नहीं। यहाँ पे जितने लोग देखने वाले हैं ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन शॉपिंग करते नहीं होंगे, तो जो अच्छा लगता है, जो मैं दिखाती हूँ, नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं, लेकिन जो अच्छा लगता है अच्छे प्राइस में है तो वो तो आप लोग लेते ही लेते हैं। मुझे भी कमेंट करते हैं कि हाँ मैंने ये वाला लिया, जब आपने मुझे बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं ना जो आप लोगों ने बोला था कि कहाँ से आपने लिया है, तो वो भी मैं आपको इसी में दिखा दूंगी। तो ये कुछ इस तरीके से फ्लोरल प्रिंट में है, ये शॉर्ट कुर्तियाँ नी तक आएगी, वी नेक में है, स्लीव इसकी यहाँ तक की है और मैं पूरा लेंथ
पूरा मैं लुक कोशिश करूंगी कि साइड में लेकर के लगा दूं, बट हेल्थ की वजह से मैं प्रॉपर पूरा ड्रेस पहन के वीडियो आप सभी को नहीं दिखा पा रही हूँ। नहीं तो मैं, देखिए, कोई भी ड्रेस की वीडियो होती थी मैं वेयर करके ज़रूर दिखाती थी। इस टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं वेयर करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा उठना बैठना चलना मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, वही स्टोमक पेन की वजह से। तो बहुत ज़्यादा नहीं, इन्होंने भी मुझे बोला, मैंने इनको बताया, फ़ोन किया इन्होंने कि वीडियो बनाने जा रही हूँ ड्रेस की, तो बोले कि बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हार्ड वर्क करना उसके बाद रात में बैठ के रोना। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो देखिए, कोशिश करूँगी बट श्योर नहीं बोल सकती कि मैं लुक दिखाऊँगी सारे का कि नहीं, बट मैं ड्रेसेस दिखा देती हूँ, मैं ट्राईपॉड लगा लेती हूँ, बातें बहुत सारी हो गई, ठीक है। मेरा ना बैकग्राउंड अभी आपको ऐसा दिख रहा है, बट कुछ टाइम बाद आपको ऐसा नहीं दिखेगा। क्या करूँ मैं, जो मेरे पति देव है ना, उनके पास टाइम नहीं है, यही होता है शादी के पहले, तो ये वो बाद में वीडियो देखेंगे। तो बोले ऐसे ऐसे बोल रही थी, हाँ बोल रही थी, चलने के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते, बोलते हैं चलेंगे, लेकिन देखिए टाइम नहीं निकल पा रहा है कि मैं अपना वॉल सही करवा पाऊँ। इस तरीके से कितना अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। अभी कुछ दिनों बाद आपको ऐसा नहीं दिखेगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती होनी की है, मुझे आपसे भी मत बोलिएगा। कौन सा निकालू भैया, एक तो ये आप सबने पूछा था और एक पर्पल वाला। परेशान हो गई हूँ मैं भी, काम काम काम, जाएंगे हम लोग, वैसे ये बोल रहे थे कि हम जाएंगे, परेशान मत हो, थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ, बट ये फ्री कब होंगे मुझे खुद नहीं पता है कि फ्री कब होंगे। मैं जा करके जल्दी से अपना ये वॉलपेपर वगैरह सेलेक्ट करती, और आप सबको अच्छा लगता है बैकग्राउंड मेरा देखने में। आप सब ने एक ये वाली कुर्ती मेरी बहुत पूछी, पूरा ये सेट है, मतलब पैंट के साथ में ये है, कि आपने कहाँ से लिया था। मैंने अमेजोन से ही लिया था, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा एकदम श्रग की तरह आपको मिलेगा। अंदर भी कपड़ा है, देखिए अंदर है ये, लेकिन पूरा आपको श्रग की तरह मिलेगा। आप लोगों ने तो मेरे शॉर्ट्स में देखा ही होगा, बहुत ही प्यारा लगता है ये, डिफरेंट भी है थोड़ा, नॉर्मली जैसे कुर्तियाँ होती है ना उससे थोड़ा डिफरेंट भी है, पूरा एकदम फुल लॉन्ग में है लेंथ वाइज, और इसमें आपको ना इस तरीके से डॉट डॉट बना हुआ प्रिंट मिल जाता है, अनियन कलर है ये, बहुत ही प्यारा कलर है ये, इस पर कलर बहुत खिलता भी, कोई भी आपका कलर है वो सब पे ही जाता है ये कलर, अच्छा लगता है। तो आप देख लीजिएगा, लिंक मैंने दे दिया आप सबको, बाद में कहेंगे कि ऐसे क्यों बोला, मैंने तो मजाक में बोला है, मजाक में बोला लेकिन सही में बोला है। उसके साथ में ये पैंट डॉट डॉट सेम प्रिंट का है ये, कलर प्यारा है ना इसका, अच्छा लगता है। तो मैं तो बोल रही हूँ कि ये वाला जो है ना, ये वाला ड्रेस ये आपके पास जरूर होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा इससे पहले कि आउट ऑफ फैशन हो, जल्दी से पहन लीजिए अगर पहनना हो तो, नहीं तो मेरे से बाद में मत पूछिएगा मैंने कहाँ से लिया, फिर बाद में पहनूंगी, फिर बाद में पूछिएगा कहाँ से लिया, तो फिर मैं नहीं बताऊंगी, मजाक करिए, और कुछ लोग बुरा मत मानिएगा आप सभी, मजाक करने की मेरी आदत है। एक ये सूट, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसका जो कलर है ना है तो पर्पल, लेकिन ये वाला पर्पल इतना प्यारा लगता है, इसमें भी आपका कोई भी कलर शेड है सब पे ही अच्छा लगेगा, कि फ्रंट से इस तरीके से है, पूरा थ्रेड वर्क किया गया है नेक पे, स्लीव पे भी आपको इस तरीके से प्रिंट मिल जाता है, फैब्रिक इसका बहुत सॉफ्ट है, कॉटन तो नहीं है लेकिन बहुत सॉफ्ट है। बाकी पूरा सूट जो है सूट पे थ्रेड से ही इस तरीके से वर्क मिलेगा, लाइन बना हुआ, और बैक से आपको बिल्कुल प्लेन मिलता है, और इसके साथ में आपको ये प्लाजो मिलता है। प्रिंट इसका ऐसा नहीं है कि छूटेगा, अब आप इसको एकदम से रात भर भिगो करके रखेंगे या ब्रश से रगड़ के धुलेंगे तो छूटेगा ही छूटेगा ना, वो तो कितना भी पक्का कलर भी हो तो भी छूटने लगता है। हाँ, जब कपड़े धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं तब फिर नहीं छूटता, लेकिन मैं इस वाले प्रिंट की बात कर रही हूँ कि गोल्डन जो प्रिंट है, जो इस टाइप का प्रिंट होता है ना उसको कोशिश किया कीजिए, आप आए कहीं से अगर गंदा हो गया तो उसको वॉश कीजिए, वॉश करके तुरंत डाल दीजिए तो फिर नहीं निकलता। मेरे किसी भी कपड़े में इस टाइप का जो प्रिंट है उसमें से कलर, ये प्रिंट जो है ना ये कभी छूटा नहीं है, क्योंकि मैं यही करती हूँ नॉर्मली, आती हूँ वॉश करती हूँ, वॉश करके तुरंत डाल देती हूँ, तो आप भी ऐसे ही कीजिए। इसका भी फैब्रिक काफी अच्छा है, लेंथ वाइज भी काफी अच्छा है, देख सकते हैं, और कलर सेम है, ये पूरा सेट ही मिला है मुझे। इसके साथ में ये दुपट्टा, दुपट्टे पे वही प्रिंट है जो इसके प्लाजो पे प्रिंट है, मतलब इसका जो बॉर्डर बना हुआ है वो प्लाजो वाला ही है, और ये इसका दुपट्टा, दुपट्टे का लेंथ बहुत अच्छा है,
बट ये शिफॉन नहीं है, थोड़ा सा चंदेरी टाइप से में है ये। हाँ चंदेरी टाइप से। तो ये हो गया दोनों जो आप लोगों ने भर भर के पूछा था, ये दोनों मैंने बता दिया, इसके बारे में भी बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है तो देख लो। मेरी जो रिलेटिव्स है ना उनसे तो मेरी सिस्टर्स की बात हो जाती है, तो बोल रही थी जैसे मेरी बुआ की लड़कियां हो गई, मौसी की लड़की हो गई, और भी जो लोग अगल बगल के देखने वाले हैं बोलते लोग ड्रेस दिखाती है ना तो बोलती है बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। तो जब सिस्टर्स मेरी आई, जब मैंने सबको दिखाया और जब मुझे गृह प्रवेश में और शादी में आई थी, तो मैंने जितना भी रखा था सबको रख दिया सामने कि जिसको जिसको जो पसंद आए ले लो। तो सब देख के बोल रही थी कि हाँ सच में बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी मैं बोलती हूँ, बता देना कि ऐसे मैं नहीं बोलती हूँ, अच्छे होते हैं तब मैं अच्छा बोलती हूँ, ऐसे नहीं। अब इतने कम प्राइस में अगर आपको इतने अच्छे कपड़े मिल जाएं तो अच्छा ही तो बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि हम 2,000-2,500 ऐसे लगा रहे हैं और उसके बाद उसको बोल रहे नहीं, बहुत ही बजटेड रेट में आपको मिल जाता है यहाँ पे। यही तो सबसे बड़ी बात है कि आपको हर एक रेंज में मिल जाएगा। तो ये है एक कुर्ती, ये प्लाजो के साथ में है, आलिया भट्ट स्टाइल। इसका कलर देखिए, कलर भी इसका बहुत अच्छा है। इसका स्लीव है, पूरे सूट पे इस तरीके से प्रिंट बना हुआ है फ्लावर का, और फ्रंट में फेक मिरर जो होते हैं ना वो लगा हुआ है, और नीचे भी यहाँ पे फ्रंट में फेक मिरर जो होते हैं वो लगा हुआ है। फ्रॉक सूट है ये, देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा, बट साइज मेरा जो है वो ऐसा आ गया है। तो मैंने इसको पहन के भी देखा क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे एक्सचेंज करने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने देखा तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एम होना चाहिए, तो मैंने इसको एक्सचेंज किया है, मेरा एम भी आ जाएगा तब मैं पहनूंगी। अभी मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा क्योंकि साइज की वजह से। बाकी कलर वलर इसका इतना अच्छा है, प्राइस इतना अच्छा था, मुझे प्राइस एग्जैक्ट नहीं याद है, आप फर्स्ट कमेंट में चेक कीजिएगा माई हॉल स्टोर वाले लिंक पे जा करके, आपको सारे ड्रेसेस का प्राइस दिख जाएगा। तो मैं इसको तो मंगवाने वाली हूँ एम, और बहुत जल्दी मैं आपको ये पहने हुए भी दिखूंगी। इसके साथ में ये है इसका प्लाजो, इसमें पॉकेट वगैरह नहीं है, बट कोई नहीं, इतने कम प्राइस में इतना तो मैनेज कर सकते हैं। प्लाजो पे भी सेम प्रिंट आपको मिल जाता है और काफ़ी कंफर्टेबल है, कॉटन फैब्रिक में है ये, गर्मियां हैं तो गर्मियों के लिए ढीले ढाले कंफर्टेबल कॉटन फैब्रिक ही सही रहता है। ग्रीन आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही मंगा दे रही हूँ क्या? ग्रीन तो ये नहीं है लेकिन थोड़ा सा ग्रीनिश है। ओह नो, सेम यही कलर का दुपट्टा मैं अभी ले करके आई हूँ, जो मैंने मंदिर का टूर दिया था अपना उसमें मैंने लगाया था। पता होता कि सेम कलर का दुपट्टा मिलेगा तो मैं लेके आती ही नहीं, फालतू में लिखी, बट कोई नहीं। ये इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, कौन सा फैब्रिक है ये? कॉटन ब्लेंड है बट फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है। इस पे पिकॉक बना हुआ है, फ्लावर्स बने हुए हैं, कितना ही अच्छा प्रिंट है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, पूरे सूट पे ही आपको इस तरीके से प्रिंट मिलता है फ्रंट में और बैक में भी। और इसमें एक चीज़ है कि ये कॉटन ब्लेंड है ना, तो इसलिए आपको अंदर से अस्तर भी लगा हुआ मिल गया, बट अस्तर भी इसका ऐसा है कि आप गर्मी में पहन सकते हैं, बहुत मोटा वाला नहीं है, सॉफ्ट वाला है, वी नेक में है। साथ में ये है, इसमें पॉकेट, हाँ इसमें पॉकेट है। ये है इसका पैंट, इसमें एक साइड में आपको पॉकेट मिल जाता है, प्लेन में है ये, कम्फर्टेबल है इसका भी फैब्रिक, और काफ़ी सही है इसका फैब्रिक। जैसे नॉर्मली क्या होता है ना पतले कपड़े में होता है, बट ये कपड़े पतले एकदम कपड़े में नहीं है, कंफर्टेबल वाला है और थोड़ा सा कपड़ा हाँ अच्छा है। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा शिफॉन में है, और दुपट्टे की लेंथ देख लेते हैं, लेंथ वाइज भी सही है। और फिर पूरे दुपट्टे में ना सिक्वेंस से इस तरीके से बना हुआ है, डॉट डॉट सिक्वेंस से ही पूरा पूरे दुपट्टे में। इसमें शायद आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप जब डिस्क्रिप्शन देखिएगा तो आपको पता चलेगा। और ये मैंने उसी के साथ मंगवाया था जो पर्पल वाला था ना मेरा, पर्पल वाला मैंने दिखाया था कि नहीं दिखाया था याद नहीं आ रहा, जो पर्पल वाला मैंने पहना था चिकन वर्क वाला, पता नहीं, अगर नहीं दिखाया होगा तो किसी वीडियो में दिखा दूंगी, याद नहीं आ रहा मुझे। ये भी सेट है, मतलब प्लाजो के साथ में कुर्ता येलो कलर में, पूरा व्हाइट कलर से थ्रेड वर्क हुआ है, स्लीव पे भी, पूरा फ्रंट में, और पूरा इस तरीके से आपको वर्क मिलता है, जो यहाँ पे कट दिया है वहाँ पे भी वर्क है, नीचे भी वर्क है, बैक से आपको बिल्कुल प्लेन मिलता है,
साइज जो है वो मेरा एम है। आपको इसमें कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा आपको जो कलर अच्छा लगे। मुझे येलो मन हो रहा था तो मैंने येलो लिया। और इसके साथ में ये पैंट है, इसके पैंट पे भी ना डिजाइन है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे इस तरीके से पूरा थ्रेड वर्क हुआ है दोनों तरफ ही, कॉटन फैब्रिक में है ये। तो आप देख लीजिएगा, साइजेस आपको मिल जाएंगे जो भी आपका साइज है, तो एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर के डबल एक्सल तक आपको मिल जाएगा। किसी किसी में इससे ज्यादा भी बड़ी साइज मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इन सारे ड्रेसेस का, आपको इनमें से जो भी अच्छा लगता है तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अब चलिए कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी। हाँ, तो मैं बता रही थी ना कि मम्मी आने वाली हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी आ जाएंगी। बस ये था कि जो मेरा डाउट था ना, ये देख करके इसकी वजह से हम डर रहे थे। मैं तो सोच रही थी मम्मी आएंगी तो कैसे आएंगी, कैसे क्या होगा, घर से बुलाना पड़ेगा लोगों को, ऐसे ऐसी चीजें माइंड में चलने लगी हैं। मुझे आज डॉक्टर के यहाँ जाना था तो इनको अर्जेंट जाना पड़ गया। इन्होंने मेरे से बोला था कि ज्यादा दूर है नहीं, चली जाना। मैंने कहा था ठीक है मैं चली जाऊंगी, और मैंने भी इनको बोला था कि आप चले जाइए, मैं चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आने की जरूरत नहीं है। फिर इतनी दूर से आएंगे, फिर मुझे लेकर के जाएंगे, तो फिर फोन किया इन्होंने, कितना मुश्किल से एक मिनट भी बात नहीं हुआ होगा। सिर्फ पूछा इन्होंने कि गई थी, मैंने कहा नहीं नहीं गई थी, मेरा मन नहीं हुआ, आप कल देखेंगे। तो बोली ठीक है कल मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा तो कल मैं आ जाऊंगा, लेके चलूंगा साथ में। बस इतना ही बात हुआ, वाशु को लेके आ गई। हाँ बस उसके बाद फोन किया, चलिए आज से तो मम्मी आ जाएंगी, तो फिर थोड़ा सा मम्मी में मन लगा रहेगा, तो फिर इतना पता नहीं चलेगा। फिर मम्मी से मैं इनकी शिकायत नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा शिकायत करूंगी। आप लोग बोलेंगे क्या आज वो बोल रही है, आज इसको वो कह रहे हैं। आज मैंने भर भर की शिकायत इनकी कर दी, अब जाके दिल को सुकून मिला। फिर सोचेंगे बाद में भगवान मेरे बारे में शिकायत कर रही है, पर क्या करूं, आप सभी मेरी फैमिली है तो आप सबसे करूंगी ना। कितने लोग यहाँ पे बोलते हैं दामाद जी हैं, कितने लोग बेटा बोलते हैं, मुझे बेटी बोलते हैं, तो है ना इतने सारे लोग, तो इतने सारे लोगों से शिकायत कर रही हूँ मैं, सही है ना, कोई तो होना चाहिए शिकायत करने के लिए, कर दिया। हाँ लेकिन इनके घर वाले भी देखेंगे तो बोलेंगे शिकायत कर रही है मेरी, कोई बात नहीं, इतना भी काम मैंने शिकायत किया है, शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं किया है, मैं तो ऐसे ही बस इनकी तारीफ कर रही थी और कुछ नहीं। चलिए मैं वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चिट चैट टाइप्स वीडियो बहुत सारी बातों के साथ, कुछ इनकी शिकायतों के साथ। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। मेरा मन तो हो रहा है अभी भी मैं बात करूँ, लेकिन ठीक है रहने दीजिए, पक जाएंगे आप लोग, बाय। एक चीज मैं बताने आई हूँ, पता है मैंने एक काम मेरा होने वाला था, तो मैं मतलब कल भी जब मुझे इस तरीके से मैंने झलका देखा तो माता जी से बोला, खैर ये तो जो होना है वो तो होगा ही, नहीं होना है तो नहीं होगा, लेकिन माता जी से मैंने बोला और आज मैं ठीक हूँ। अब कल का कल देखते हैं, दो दिन का थोड़ा सा देखना होता है, लेकिन एक चीज़ था मेरा, मैंने माता जी से बोला माता जी प्लीज़ उसको कर दीजिए, हो गया। मैंने सोचा आपको भी बता दूँ, बहुत खुशी हो रही है, माता जी मतलब मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। चलिए बाय बाय। खुश थी तो मैंने कहा खुशी आप सभी के साथ में शेयर कर दूँ, खुश थी मैं तो कि मेरी इतनी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और ये आए तो बहुत जल्द हम आपसे कुछ बातें भी करेंगे बहुत सीरियस टॉपिक पे, और आप सभी की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जल्द ही जल्द हम लाएंगे, ठीक है, बाय।